Okay, students, today I'm going to have words to practice on paraphrasing. As I already have told you that paraphrasing is one of the important topics given in the examinations like civil services and provincial services, and in civil judge as well, PCSJ. So, आज इस पे हम आज paraphrasing पे प्रैक्टिस करते हैं रूल्स, और उनमें जो उसकी डेफिनेशन रूल्स, ये सारी चीज़ें हमने बताया था आपको. आइए इसका प्रैक्टिस करके देखते हैं. एक वर्स हमने लिया है, ये वर्स मिल्टन का लिखा हुआ है, और मिल्टन इसमें क्रॉमवेल के लिए कुछ बताते हैं. मिल्टन यहाँ पे बता रहे हैं, मिल्टन कहते हैं, आइए वर्स को पहले पढ़ के समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा वो पोएम जो कह रही है किसी बात को, पहले उसको समझ लेते हैं, तब समझ में आएगा कि इसका पैराफ्रेज कैसे करेंगे. क्रॉमवेल, आवर चीफ ऑफ मैन, बहुत सिंपल इसमें थॉट दिया हुआ है. क्रॉमवेल कौन है? आवर चीफ ऑफ मैन हु थ्रू अ क्लाउड. आप जानते हैं क्लाउड जो है वो ग्लूम, सैडनेस और इस तरह की चीज़ों को उसका मेटाफर है. तो यहाँ पे बादलों से होकर के ही नहीं, बल्कि यहाँ पे कह रहे हैं क्रॉमवेल आवर चीफ ऑफ मैन हु थ्रू अ क्लाउड, जो बादलों से होकर के, नॉट ऑफ वॉर ओनली, यानी सिर्फ युद्ध की ही परेशानी को नहीं झेलना पड़ा, बल्कि बादल भी आपके ऊपर थे और बहुत सारी चीज़ें आपको डिफेम करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए हुई, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आप गाइडेड थे, गाइडेड बाय फेथ. फेथ क्या होता है? ईश्वर में यकीन होता है, विश्वास होता है. उस यकीन और मैचलेस फॉर्टिट्यूड, मैचलेस का मतलब अनकॉमन, अनयूजुअल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी. फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है पेशेंस, धैर्य. तो आपके अंदर जो धैर्य है, मैचलेस है, जो एकदम यूनिक है, फिर आपने क्या किया इसकी वजह से? टू पीस एंड ट्रुथ दाई ग्लोरियस वे हैथ फ्लोड. तो आपने कायम कर दिया शांति और सच्चाई को देश के अंदर, आपके इन अथक प्रयासों से, जो कि युद्ध ही नहीं बल्कि आपके ऊपर तमाम तरह की परेशानियों के बादल थे, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया गया, फिर भी क्रॉमवेल आपने वो कर दिखाया और देश में शांति कायम कर दिया. तो क्रॉमवेल के लिए ये तारीफ कर रहे हैं मिल्टन. तो ये बात इसमें कही गई है, यानी उसको अप्रिशिएट करते हैं क्रॉमवेल के जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया अपना देश को स्टेबिलिटी के लिए, उसको स्टैब्लिश पीस और ट्रूथ, लॉ एंड ऑर्डर इस तरह से कायम करने के लिए. तो आइए हम इसको पैराफ्रेज कर लेते हैं. यहाँ पे क्रॉमवेल कौन है? आवर चीफ ऑफ मैन. तो यहाँ पे पैराफ्रेज स्टार्ट करते हैं. क्रॉमवेल कौन है आप? यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ अस ऑल. हम में से, हम जितने भी हैं, हम में सब में आप महान हैं, चीफ हैं, चीफ ऑफ मैन यानी सभी के सरदार हैं आप, यानी सबसे महान आप हैं. हु आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस. आपने क्या किया है? मेड योर वे थ्रू द ट्रबल्स. आपने रास्ता बनाया मुसीबतों से होकर के, यानी मुसीबत से सामना करते, मुसीबत से टकराते हुए आप आगे चले गए. खतरे जो थे युद्ध के, और जो आपके ऊपर आपके दुश्मनों की तरफ से डिस्पैरेजमेंट हुआ, जो आपका तिरस्कार किया गया. डिस्पैरेजमेंट एक्चुअल में होता है तिरस्कार करना, ये डिट्रैक्शन उसी के लिए है. तो बैक बाइटिंग करना, किसी को बुरा भला कहना, तो ये सारी मीनिंग में आता है. तो ये बता रहे हैं कंटेम्पचुअस का मतलब घिनौना. तो यहाँ पर जो उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया गया बड़ी रूड तरीके से, यानी गंदे तरीके से बदनाम करने की क्रॉमवेल की कोशिश कर, क्रॉमवेल को कोशिश की गई, उसके बावजूद, हाँ, जिसकी वजह से आपके ऊपर, आपके जीवन में दुख आया. और दुख कैसे आया? दुख जैसे बादलों की तरह से. देखिए यहाँ पर इन्होंने
क्लाउड को यूज किया है. हु थ्रू अ क्लाउड नॉट ऑफ वार ओनली. तो युद्ध ही से नहीं बल्कि युद्ध के साथ साथ आपके ऊपर इस तरह बदनामी के बादल भी छाए रहे, उसके साथ आपने क्या किया, शांति कायम कर दी और सच्चाई की इंग्लैंड में बोलबाला हो गया, इंग्लैंड में सच्चाई छा गई और आपने वहाँ शांति कायम की बहुत शानदार तरीके से इन अ ग्लोरियस मैनर. आप ये सब क्यों कर पाए, क्योंकि आपका ईश्वर में विश्वास था. यू आर हैविंग कंप्लीट फेथ, अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, दैट्स व्हाई यू कुड परफॉर्म दिस एक्टिविटी. मीन्स एस्टैब्लिशिंग ट्रूथ एंड पीस थ्रू आउट द कंट्री इंग्लैंड. और आपके अंदर जो सहनशीलता थी वो इनकम्पेरेबल थी, मैचलेस थी. तो यहाँ पे पूरी तरह से इस वर्ड्स को, इस छोटे से स्टैंजा को यहाँ पे पैराफ्रेज हमने कर दिया है. आपको इससे अच्छा एक नोट्स मिल जाएगा, आप अपना ट्राई करके देख लें. आपको हम ओरल भी इसको बता दें तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने हिंदी में भी आपको बताया है. एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मिल्टन क्रॉमवेल को क्रॉमवेल को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि क्रॉमवेल आप हम सब में महान हो, आप मेन के चीफ हो, मतलब सबसे महान हो, ग्रेटेस्ट हो सारे लोगों में. जो बादल से यानी कि दुख को झेलते हुए, जिसके ऊपर परेशानियों के बादल थे और ग्लूम यानी अंधेरापन छाया हुआ था, दुख के बादल मंडरा रहे थे, यानी आप तकलीफ में थे, वो युद्ध ही नहीं बल्कि तमाम तरह के आपको डिट्रैक्शंस का भी सामना करना पड़ा, जो आपको बदनाम करने की कोशिश की गई बहुत गंदे तरीके से, रूड वे में आपको डिट्रैक्शंस मिले, यानी कि यू आर द पर्सन हु फेस्ड वैरायटी ऑफ बैक बाइटिंग एंड कंटेम्पचुअस ब्लेम फ्रॉम द पीपल. रूड का मतलब है कि बहुत गलत तरीके से, यानी कि जो किसी से कोई मुरव्वत ना करे. लेकिन आपने इन सब का सामना किया. सामना कैसे किया, क्योंकि आपके अंदर विश्वास था, ईश्वर में यकीन था. यकीन ईश्वर में होने की वजह से आपने देश में शांति और सच्चाई को परवान चढ़ाया, आपने फैलाया और फिर उसमें कामयाब हुए, और ये सब आपके विश्वास और धैर्य का नतीजा है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन मेकिंग पैराफ्रेज ऑफ अ टेक्स्ट, whether in words or in prose.